ये मेरे पास आया है समीर अहमद, 14 साल का है और इनके पिता इसरार अहमद भी आए हैं मेरे पास। और ये बच्चा जो है समीर, ये पहले डायमंड पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और 2017 में इसने क्लास छठी पास करी थी वहां से, छठी पास की थी और इसको सातवीं में आना था, तो इसने वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया क्योंकि वो इसके पिता वहां की फीस नहीं दे सकते थे। और उसके बाद ये बच्चा जो है बीमार हो गया और अपना सरकारी अस्पतालों में कुछ इलाज कराता रहा और उसकी वजह से पढ़ नहीं पाया। अब ये ठीक हो गया तो अब इसी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है गवर्नमेंट SVV2 ब्लॉक यमुना विहार में सातवीं क्लास के लिए दाखिले के लिए, और अब उसको ये कहकर मना कर दिया दाखिला कि ये बच्चा 14 साल से ऊपर हो गया है। 31 मार्च 2019 को इसकी उम्र 14 साल 3 महीने के लगभग होगी। अब सवाल जो बड़ा उठता है वो ये उठता है कि क्या इस देश में और खासकर दिल्ली की राजधानी के अंदर सरकारी स्कूल में इस बच्चे को पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है, है? संविधान सभी बच्चों के लिए बोलता है कि शिक्षा का अधिकार है, है? ये सिर्फ 14 साल तक का ही नहीं है, सारे लेवल्स पे अधिकार है ये, लेकिन दिल्ली सरकार को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, है? और ये जो है मनमानी तरीके से बच्चों को जो है स्कूल से बाहर रख रहे हैं। हम हमारे साथ ये बच्चा भी है, इसके पिता भी है, चलो थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। इसरार भाई बताइए क्या है आपकी शिकायत। सर मैं पिछले एक साल से भारत वर्ल्ड में लगा पड़ा हूँ। पिछले साल मेरे साथ ये शुरू किया गया कि इसका अकाउंट चेक तक नहीं खुलेगा, इसका एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने सर उसके लिए बात वो करी, इसके किसी वजह से फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा मैंने इस बात बताई, उन्होंने ये कहा कि अब टाइम खत्म हो गया, अब आप अगले साल आना। अब इस साल मैं गया हूँ सर, पिछले 2-3 महीने से कभी आप वहां भेज रहे हैं, कभी पैसे मेरे पास, कभी डीडी ऑफिस, सर 2-3 महीने से काट काट के फिर उन्होंने मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा। अभी फिलहाल 5-6 दिन पहले मेरे पास फोन आता है कि आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, इसकी उम्र ज्यादा है। और कहीं से भी सर मुझे तसल्ली नहीं मिल रही है कि मैंने हर तरह से बताया, मुझे इन्होंने ये कहा गया कि आप इसकी आधार में उम्र कम करवा लो। मैंने कहा सर ये तो होना नामुमकिन है कि ये 420 हो जाएगा, मुझे जेन्युइन तरीके से ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना है। बोले भी ऐसा नहीं हो सकता, आप जहां चाहें जिधर चाहें, मैं यहां तक कहा था किसी भी स्कूल में मेरे को इसका एडमिशन करा दीजिए, B1 में B2 में। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा काम लकड़ी का है, मैं दिहाड़ी पर काम करता हूँ। अच्छा, दिहाड़ी मजदूर हैं आप इस तरीके से? और मेरा बच्चा सर बहुत पढ़ने लायक है, बहुत पढ़ने की कोशिश भी करता है वो, लेकिन मेरा बच्चा इस चक्कर में मैं बहुत परेशान है, मेरे बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो आप क्या है या तो सर मुझे ये लिख के दे रहे कि आपका बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, मैं किसी काम में इसको ला दूंगा, कल को मेरे ऊपर कोई केस ना बने कि मैंने अपने बच्चे से काम करवाया है, या तो मैं ये लिख के दे या फिर मेरे बच्चे का एडमिशन। तो आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? सर मैं उनके इस काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि उन्होंने जो कानून बनाए हैं ये कानून हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है ये कानून हमारे बच्चों से खिलवाड़ हो रहे हैं, ऐसे कानून से हम नहीं मानते, या तो हमारे बच्चे का भविष्य खराब होगा या हम अपने बच्चे को किसी काम पे लाएंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है इस बार? सर 9312607115। एक बार और बोलेंगे, 9312607115। तो अब हम ऐसा करेंगे, इनको एक लीगल नोटिस देते हैं और अगर लीगल नोटिस से मुझे नहीं लगता इनको समझ में आएगी तो उसके बाद फिर हम हाईकोर्ट को अप्रोच करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम हाईकोर्ट से इस बच्चे के दाखिले के लिए ऑर्डर लेंगे, तभी ये सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। और दुख की बात यह है कि कहीं प्राइवेट स्कूल में दाखिले की बात हो तो समझ में आती है कि भाई वो नखरे दिखा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार के स्कूल हैं जहां लिटरली पढ़ाई नहीं होती, मतलब पढ़ाई तो होती नहीं है, उसके बावजूद भी दाखिलों के ऊपर इतनी जो है नखरेबाजी दिखाना, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और जो इस बच्चे के ह्यूमन और फंडामेंटल राइट है एजुकेशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करते हैं, वो सारे ये सरकार जो है बेशर्मी के साथ वायलेट कर रही है।